नमस्कार दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई कोर्स की, जो कि मैं जुलाई में स्टार्ट करूंगा, ये 5 डेज या 10 आवर्स का क्लास है। इसके लिए पहले मेरे पास कुछ लोगों की क्यूरी आई थी, उसी के रेफरेंस में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट इस वीडियो में कोर्स की अनाउंसमेंट के साथ साथ मैं आपके सामने 2 चार्ट्स पे ये भी डिस्कस करूंगा कि कैसे अष्ट कुट के मिलान के बावजूद भी अगर वो सही रिजल्ट से मिला है, स्कोर दिया है, जैसे कहते हैं कि 36 गुण में से अगर 18 गुण मिल जाए या 18 से ज्यादा मिल जाए तो शादी की जा सकती है, तो कैसे एक केस में गुण मिलने के बाद, अष्ट गुण के मिलने बाद भी कैसे उनकी शादी में दिक्कत आई, और एक कैसे उसी अष्टकुट मिलान में जिसका स्कोर कम था उसके बाद स्टिल अभी तक मैरिज, हैप्पी मैरिज चल रही है, क्या क्या चीजें और हम देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर हैं। जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, चाहे किसी पंडित जी के पास जाते हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स को देख कर वो कुंडली का मिलान करते हैं। देखिये, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपको हर किसी को कुंडली मिलान करनी चाहिए, ये अपना बिलीफ सिस्टम है। आप अगर अपने बिलीफ सिस्टम्स के जो आपके विचार हैं, जो आपके विचारों की सीड है, अगर आपके मन में है कि हमें कुंडली मिलान कराना चाहिए या हमें कुंडली मिलान करा के ही शादी के बाद आगे बढ़ानी चाहिए, ये इंडिविजुअल विचार है। बहुत से लोगों में मैंने देखा है, चाहे मेरी एज ग्रुप के हैं, जो नॉर्मली रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो कभी इन सब चीजों का उपयोग नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपना, उनकी जो फैमिली वैल्यूज है या अपने आप कह सकते हैं जो फैमिली ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से ही वो अपनी सोच समझ से परख कर, फैमिलीज को देखकर और फैमिलीज का रेपुटेशन या फैमिलीज की हिस्ट्री देखकर वो शादी करते हैं। कुछ आजकल के टाइम में, क्योंकि सब लोग अपने रूट से या अपनी फैमिली से जुड़े हुए नहीं है, और ये कह सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेडिशन जो पिछले 20-25 साल में चला है, उसका साइड इफेक्ट ये है कि कोई हमारा अपना चाहने वाला भी हमारे अपने बच्चों के लिए, रिश्तों के लिए कोई रिकमेंडेशन करते हुए डरता है। उसके कारण कई हो सकते हैं। वो ये सोचता है कि भाई अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो ब्लेम हम पर आएगा। तो इस वजह से भी कुछ लोग, जब फैमिली सपोर्ट सिस्टम कम हो जाता है तो आगे किसी की करेक्टरिस्टिक को, जिसको आप जानते नहीं हो, उस जातक या उस लड़के या उस लड़की की, जिसको आप जानते भी नहीं हो, कोई आपकी फैमिली में उसकी रिकमेंडेशन कर भी नहीं रहा है, उसके बाद अगर आपको रिश्ता करना है तो आपके पास सेकंड अल्टरनेटिव यही बचता है कि आप चार्ट के द्वारा उसकी करेक्टरिस्टिक को या उसके स्कोप्स को, जो उसका चार्ट की प्रोजेक्शन है, उसके द्वारा आप कह सकते हैं कि मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये था एक सिंपल बैकग्राउंड कि भाई अगर आपका बिलीफ सिस्टम कहता है कि आप कुंडली मिलाइए तो आप मिलाइए, अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये नहीं कहता है तो मत मिलाइए। मेरा ऐसा कोई आप लोगों को फोर्स करने का इरादा नहीं है, लेकिन जो मैं इसके अंदर सीख पाया हूँ या जो इसको समझ पाया हूँ, उसको एक सीधे शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने उस बिलीफ सिस्टम को और थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसको मिलाने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, इसका जो मिलाने का क्राइटेरिया है, वो एक ऐसे बंदे से आपको जरूर मिलाना चाहिए जो इसकी बहर, मतलब आप डिटेल में जो मिलाए एक फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे ऑनलाइन पे सिर्फ अस्तगुण मिला के और करेक्टरिस्टिक को कहना, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ। जो भी आपके आसपास है, आपके सिटी में है, या जो आपका फैमिली का ट्रेडिशन है जिससे आप पूछते हैं, उस बंदे के बारे में आपको ये पता होना चाहिए किन किन बेसिस पे वो चार्ट्स को मिला के आपको प्रिडिक्शन देने वाला है, दो आगे जो फैमिलीज जुड़ने वाली हैं उन सब का। तो मेरा अपना जो नजरिया है वो 7 पॉइंट्स में कहता हूं कि भाई क्यों हमें लड़के और लड़की की कुंडली शादी से पहले मिलानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें, अगर वो हमें दोनों को पता नहीं है, उन दोनों एक दूसरे के बारे में करेक्टरिस्टिक नहीं जानते हैं, हाँ ये मैं जरूर कह रहा हूँ कि अरेंज मैरिज के लिए मोर प्रोमिनेंट रोल हो जाता है, और अगर किसी की लव मैरिज है तो अगर वो एक दूसरे से कमिटेड है तो इसके अंदर मत जाएं, नहीं
तो अगर जाने के बाद अगर आपको लगता है और आप ओपन माइंडेड हैं कि जो आपको कोई सॉल्यूशन बताएगा उस सॉल्यूशन के हिसाब से आप चेंज करने के लिए तैयार हैं, तब तो वो ठीक है। नहीं तो अगर आप पहले से ही एक दूसरे से कमिटेड हैं और कहीं आपका करेक्टरिस्टिक उससे नहीं मिलता दिखा, तो आपको, क्योंकि शादी जब हो जाती है उसको चलाने की जिम्मेवारी दोनों बंदों की है, खाली स्कोर के बेसिस पे हम नहीं कह सकते। अब वो एडजस्टमेंट से हम देख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी से देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो लड़का लड़की या जो फैमिली एक दूसरे के प्रति पहले से ही कमिटेड है, इन चीजों को सुन के अपने ऊपर उनका असर कम से कम आने दें। हाँ, लेकिन अगर आप लिबरल हैं, पॉजिटिव माइंडेड हैं, तो इसको जरूर यूज कर सकते हैं। तो पहला जो है लड़का लड़की की कुंडली मिलाने का कारण बेसिकली यही है, हम ये देख सकते हैं कि वो बाई नेचर राशियों के हिसाब से, क्योंकि हम मून साइन से आप कह सकते हैं जिससे राशि निकालते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक का पता चल सकता है। और अगर हमें पता चले कि ये राशि ऐसी है और उन राशियों का जो कंपेयर करके उन बंदों की करेक्टरिस्टिक को हम देख सकते हैं राशि और नक्षत्र बेस्ड पे, तो ये अष्टपुट जो मिलान है इसकी पूरी जो थ्योरी बेस्ड है वो नक्षत्र, चार पॉइंट नक्षत्र के हैं और चार पॉइंट राशि के बेस्ड हैं जिनके ऊपर वो मिलाए जाते हैं। तो इसीलिए अगर किसी चार्ट के द्वारा अगर हम ये देख सके कि लड़का और लड़की के समन्वय या जो आपस की जो समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, या उनका आपस में कोऑर्डिनेशन क्या है, वो एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये देख सकते हैं क्या ये दोनों हेल्दी हैं, क्योंकि हेल्थ ही, क्योंकि एक दूसरे को आगे चल के सपोर्ट कर सकती है। हेल्थ को आप वेल्थ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंस हेल्थ को देनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी है तो वेल्थ कैसे भी कमाई जा सकती है। तीसरा ये है कि हमारी जो अपनी कुछ बॉडी नीड्स हैं, जो फिजिकल नीड्स हैं, या जो हम एक दूसरे को हैप्पीनेस शेयरिंग की कर सकते हैं, ये भी एक तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है जहाँ पे हमें लड़का और लड़की की कंपेटेबिलिटी को चेक करना चाहिए, जिस जो कि शादी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर है। चौथा ये पॉइंट है कि अगर मान लीजिए लड़का लड़की एक दूसरे को, अगर वो आज का जमाना ऐसा है कि लड़का भी नौकरी करना चाहता है और लड़की भी नौकरी करती है, क्या वो एक दूसरे को प्रोफेशनली या लाइफ में सपोर्ट करते दिख रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हुए दिख रहे हैं, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, तो इसको भी हमें देखना चाहिए। पांचवा जो है वो बेसिकली अगर शादी के बाद हम देखते हैं कि लड़का और लड़की के चार्ट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और जहां पर वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चल के उनके जीवन में, जिसको हम कहते हैं वेल्थ कमाने के या खुशियां ढूंढने के जो और भी कई तरीके हैं, उनको वो बढ़ा सकते हैं, तो प्रोस्पेरिटी और जो वेल्थ योगा भी है वो चार्ट के द्वारा हम आसानी से देख सकते हैं। अगर लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए, अगर मान लीजिए धन योग है या कोई और, मतलब जो आप कह सकते हैं योग है, जो उनको आगे चल के जो एक्टिवेशन वो शादी के बाद हो रहे हैं, तो वो उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। छठा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम शादी करते हैं तो आगे चल के हमारा ये रहता है कि हमारा परिवार बढ़े, हमारे आगे बच्चे हों, तो ये भी देखा जा सकता है चार्ट के द्वारा कि लड़का और लड़के के चार्ट क्या सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये आगे शादी होना और शादी के बाद बच्चे होना सब कुछ भगवान के हाथ में है, लेकिन जो चार्ट की प्रोजेक्शन है, जैसे चार्ट की प्रोजेक्शन है, आप जितना बढ़िया सीड अगर आप बोते हैं तो आपको यही पता है कि आपकी जो फसल है या जो आपकी जो ग्रोथ है उसको उतनी ही बढ़िया होती है। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर आप इसको एड ऑन वैल्यूज दे सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप ये देख सकते हैं कि जो आपके साथ लड़का, जो आप लड़की के परिवार से जुड़ेगा, जो लड़की लड़के के परिवार से दिखेगी, वो देख सकते हैं कि वो आप अपने पेरेंट्स को या एक दूसरे के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हुए दिखते भी हैं कि नहीं दिखते हैं। तो ओवरऑल अगर इन सात पॉइंट्स को अगर मैं क्लब करके समराइज करना चाहूँ एक एग्जाम्पल लेने से पहले, तो आप कह सकते हैं कि बंदे का क्या मेंटल लेवल है, क्या फिजिकल स्ट्रेंथ है, और क्या उसका प्रॉस्पेरिटी या जो फाइनेंशियल कंपेटेबिलिटी दोनों के बीच में है। तो तीन पैरामीटर ये बेसिकली हैं, मानसिक, शारीरिक, और आप कह सकते हैं जो आपका उसका समाज में या जो उसका पैसे का जो स्टेटस है, वो ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाते हैं जहां से हम कुंडली को आगे बढ़ा सकते हैं या चार्ट के द्वारा एनालिसिस करके देख सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे
अगर हम अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं, तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ डिटेल शेयर नहीं करूंगा। डिटेल शेयर करने का मतलब कि ये जैसे कोर्स तो मैंने जुलाई में करना है वो बता दिया है, और इस कोर्स का बेसिकली है मैरिज मेकिंग कोर्स कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कि कुंडली मिलान का कोर्स कह सकते हैं। तो इसमें जो जैसे भी कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने भी उससे ही निकाला है, एक स्कोर निकाल दिया है, जो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ थी जो दो बंदों की, जो नो डाउट की कुंडली मैंने नहीं मिलाई थी, और मैंने तो डाटा अरेंज किया या जहां पे मेरे पास डाटा आया उसमें से देखा, तो लड़का और लड़की के जो स्कोर है यहाँ पर 24 मिलते हैं। और क्योंकि जब हम देखते हैं कि नाड़ीकूट या बकूटकोट में अच्छे स्कोर हैं, तो बाकी सब चीजों के साथ हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो 36 में से 24 गुण मिलना या 36 में से 24 पॉइंट आना एक गुड इंडिकेशन है। जब भी कोई चीज हुई होगी इन लोगों की, जो दो जातकों की या जातक या जातिका की कुंडली बनाई जिसने, उसने अपने हिसाब से बनाई, लेकिन अगर आप इसमें देख सकते हैं कि ये अष्टकूट के बेसिस पे कह दिया गया। और ये एग्जाम्पल जो आप देख भी रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ बैड मैरिज और ब्रेकअप इन मैरिज। तो इसके लिए हम क्या और एडिशनल चीज देखें जिससे आगे चल के ये सब चीजें ना हो। ये कहना आसान है किसी के भी मैरिज को चार्ट को देख के और बाद में उसकी डेट ऑफ बर्थ से देख के कि हाँ भाई ये किसी ने मिलाया था, वो बैकफायर हो गया। मेरा ये नहीं कहने का मतलब कि हो सकता कि किसी ने मिलाया भी नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन दैट ऑन दोज लाइंस। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भी और जो पैरामीटर हैं, जैसे आप कह सकते हैं सेवंथ लॉर्ड की दोनों चार्ट्स में क्या पोजीशन है, सेवंथ हाउस की क्या पोजीशन है। और दूसरी बात, जो ये तो एक कॉम्बिनेशन है जो मैरिज के कारक का है, बेसिकली सेवंथ हाउस जो भी है स्पाउस को इंडिकेट करता है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड उसकी क्वालिटी को बताता है, जितना बढ़िया लॉर्ड होगा उतना बढ़िया रिजल्ट देगा। इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर हैं जो आप कह सकते हैं कि असेंडेंट को देखना चाहिए, वो उससे हेल्थ को पता चलता है, ओवरऑल जो बंदे की जो हेल्थ दिखती है, स्वास्थ्य जिसको हम कह सकते हैं। फोर्थ हाउस जो हम हाउस के अंदर कंफर्ट्स या जीते हैं, जो हम अपना घर बसाते हैं, उस घर में कितनी सुख शांति रहेगी, उसके लिए फोर्थ हाउस को देखना चाहिए। सेवंथ हाउस आपका अपोजिट स्पाउस का है, जो आपकी फिजिकल नीड्स को फुलफिल करेगा, क्या वो आपको वहां से फिल होती हुई दिख रही है। इसके अलावा एट्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर आप बंदे की लॉन्जिविटी या उसकी आयु का अनुमान लगाते हैं, वो आयु के अनुमान, क्योंकि शादी में जब मैच मेकिंग हो रही है दो बंदों के बीच में, तो उसमें एज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। सिमिलरली ट्वेल्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस से आप ये देखते हैं कि उनका कितना एक्सपेंसेस होगा, या वो किस तरह से उसको अपनी अर्निंग को और अपने एक्सपेंसिस को, यानी आप कह सकते हैं एक्सपेंडिचर और अर्निंग को कैसे वो मैच करेंगे, ये ट्वेल्थ हाउस से भी मिलकर। और वैसे भी जब मैरिज होती है तो ट्वेल्थ हाउस का एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट ये तो क्योंकि इंडिविजुअल चार्ट्स हैं और उनमें ट्वेल्थ हाउस हम देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहां पर अगर ये पॉइंट्स हमें 24 मिले गुण मिलान के, लेकिन यहाँ पर दोनों ही केसेस में जो लॉर्ड की पोजिशन है, सेवंथ हाउस के लॉर्ड की जो पोजिशन है, वो यहाँ पर पीड़ित दिख रही है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है दोनों ही हाउसेस में वो पीड़ित दिख रहा है। और पीड़ित दिखने की वजह से ये एक कारण हो सकता है कि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। दूसरा आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि भाई क्या चंद्रमा की स्थिति थी, या दोनों की क्या गुरु की स्थिति थी, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। शुक्र का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो और ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जुपिटर और चंद्रमा। पर चंद्रमा का तो सारा खेल जो है वो अष्टकूट में आ ही जाता है, तो इसलिए उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जब इस टाइम पे देखें तो गुरु और विनस का आपको सेवंथ लॉर्ड के साथ अवश्य ही देखना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा न्यूमरोलॉजी का पार्ट इसमें इंक्लूड किया है, जो पर्सना कुंडली या मैच मेकिंग में कुछ चीजें जो हमारे पास वैदिक तरीके से छूट जाती हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजी से न्यूमरोलॉजी बेस से हमें वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, चाहे दोनों जातकों के पास 5 और 6 नंबर है, ऐसा कहा गया है कि अगर 5 और 6 नंबर अगर उनके पास हो तो वो शादी को एडजस्टमेंट करके चलाते हैं, चलाने की उनमें बहुत संभावना बनी रहती है।
बहुत यहाँ इस चार्ट में नो डाउट लड़के के पास 5 नंबर है, लड़की के पास 6 नंबर है, तो इसकी पूरी संभावना दिखती है। और साथ में कहीं ना कहीं से डायरेक्टली 7 नंबर नहीं है दोनों के पास, लेकिन वो अवेलेबल हो रहा है, तो ये भी दिखता है कि आगे चल के बच्चे भी हो सकते हैं। हाँ, लड़की के चार्ट में 3 और 4 का भी योग नहीं दिख रहा, तो लड़के के चार्ट में दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं कि एक चाइल्ड की भी वो दिख रही है। लेकिन क्योंकि डायरेक्टली 7 नंबर आज 2000 में, सन 2000 में पैदा होंगे, तो उनके बहुत से बच्चों को नहीं होगा, तो जरूरी थोड़ा ना कि आगे चल के उनके बच्चे नहीं होंगे। लेकिन हमने जब देखा कि भी अगर मान लीजिए यहाँ पर इम्बैलेंस तो हो ही रहा है, इम्बैलेंस किस चीज में हो रहा है, जो हमें देखना चाहिए था कि दोनों के पास सैटर्न के बहुत ज्यादा पॉइंट है, तो सैटर्न के पॉइंट जो होने से कहीं ना कहीं सैटर्न जो है वो आर्ग्यूमेंट करने की, अग्रेशन की मैं बात नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो आप कह सकते हैं चाहे मनी को लेकर, क्योंकि सैटर्न जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली मनी को दिखाता है, अगर ये मनी वाले प्रोफेशन में होते तो वो एक्टिवेशन हो जाता, या फाइनेंशियल सेक्टर में होते तो वो इनको बैलेंस करने में मदद मिलता। अब ये लड़का लड़की दूसरे प्रोफेशन में है तो उनका वो सैटर्न का भी नहीं हुआ, और यहाँ पर देखेंगे कि जो लड़की के चार्ट में जो है एग्रेशन पॉइंट जो है, यानी जो ईगो का है, जो 1 नंबर के चार्ट पॉइंट है, वो ज्यादा हो रहे हैं और लड़के के पास कम हो रहे हैं। ये लड़के के पास, ये लड़की के पास हो रहे हैं, ऊपर से लड़के के पास 2 नंबर नहीं हो रहा, क्योंकि वो मैरिज को निभाने के लिए, ये इमोशंस को इंडिकेट करने के लिए 2 नंबर का होना बहुत जरूरी है। तो इस बेसिस पे भी अगर कुछ ऐसी चीज कही जाती उस टाइम पर कि लड़के के अंदर इमोशन डेवलप होने के लिए मून की रेमेडी की जाती, लड़की के लिए अपना ईगो कम करने के लिए कुछ सन की रेमेडी की जा सकती थी, तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है, या आगे भी मुझे ऐसा लगता है इनके चार्ट से, अब ये बैड एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये चाहे वो डाइवोर्स का भी है, लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं है कि इन दोनों की दोबारा शादी नहीं निभ सकती, या इनकी इनको मैरिटल ब्लिस नहीं मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज होने की भी संभावना है इस चार्ट के हिसाब से। लेकिन जब इनका जो मीडिएटर है या जो इनका केस चल रहा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा इस चीज के लिए, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल राय है कि इन दोनों के जीवन में आगे चल के भी विवाह का सुख ऐसा मुझे लगता है, और ये अगर अपने आप को चेंज करें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो इनकी मैरिड लाइफ आगे चल के अच्छी हो सकती है। ये एक एग्जाम्पल था जिसमें बैड मैरिज का है, और नेक्स्ट में ये मैंने आपको यहाँ कंपोनेंट लिखे हुए हैं, और जो मैं अपने कोर्स के कंपोनेंट हैं, ये 10-10 घंटे का कोर्स होगा, चाहे वो 5 दिन में हो, कि अगर 5 सेशन होंगे 2-2 घंटे के, और जब जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन आएगा या लोग इंटरेस्ट शो करेंगे उसी के हिसाब से मैंने इसके टेंटेटिव मंथ लिखा हुआ है, अभी इसका मैंने कोई डेट नहीं लिखी हुई है। अगर कोई इंटरेस्टेड है और वो ये सब मुझसे या मेरे YouTube चैनल से जुड़कर आके नॉलेज लेता है, क्योंकि ये मैं वीडियो वहां पर डालूंगा, और उसको कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो वो हमसे अगर कुंडली मिलान का या मैरिज मैच मेकिंग का कोर्स करना चाहते हैं इन पैरामीटर्स के हिसाब से, तो हम उस पर कोशिश करेंगे कि भाई उनको ये अच्छे से नॉलेज, अपनी जो भी नॉलेज है उनको फुल फ्लैश हम इम्पार्ट कर सकें और उनका भी आगे चल के फायदा हो। तो ये जो मैंने पहले बताया पॉइंट वो सेम हिंदी में लिखे हुए हैं इंग्लिश के बजाय, और एक चार्ट अब मैं यहाँ पर और डिस्कस करना चाहूंगा इस वीडियो को खत्म करने से पहले, क्योंकि और कोई वीडियो नहीं डालने वाला हूं मैं मैरिज मेकिंग के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट 36 में से 19 मिले हैं अस्फुट गुणान मिलाल के ऊपर, पिछले वेर में 24 थे और यहाँ पर इसको 19 पॉइंट मिले हैं गुण मिलाल की, अगर हम टेक्निक करें, फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैरिज गुड, उनकी तो एज भी कम है और इन दोनों बंदों की एज भी मेच्योरिटी लेवल की ज्यादा है, तो उनका एक चाइल्ड, इनके 2 चाइल्ड, और ये दोनों बच्चे भी आगे अपने अपनी एजुकेशन लेके अच्छी खासे बढ़ रहे हैं। तो इस अगर चार्ट में हम देखेंगे कि क्या ऐसी विशेषता है जो यहाँ पर इनको एक स्टेबिलिटी दे रहा है जबकि पॉइंट कम है, आप यहाँ देख सकते हैं सप्तमेश की जो पोजीशन जो देख सकते हैं, दोनों ही चार्ट में सप्तमेश की पोजिशन आपको बेटर मिलेगी, पिछले चार्ट में दोनों में ही सप्तमेश की पोजिशन बेटर नहीं थी, इसका मतलब कि शादी में जो अगर आप देख सकते हैं कि सप्तमेश की पोजीशन या सेवंथ हाउस की जो पोजीशन है
वो इम्पोर्टेंट हो जाती है अगर वो एग्री करते हैं दोनों। तो और कुछ मैं इसमें चार्ट नहीं करने वाला हूं। अब न्यूमरोलॉजी से जरूर ऐड करूंगा इसमें। अब यहां देखिए कि वहां पर जो लड़के और लड़की के चार्ट में एक नंबर को लेके बैलेंस हो रहा था, चाहे वो दोनों ही काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी दोनों ही ये जातक अब अपने काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर लड़की के चार पॉइंट है तो लड़के के तीन पॉइंट है, यानी जो उनकी ईगो है या अपने कैरियर को लेके वो कॉन्शियस हैं या अपने कैरियर में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों में दिखता है। दूसरा, पांच नंबर की अवेलेबिलिटी किसी ना किसी फॉर्म में दोनों के पास है, छह भी है यहाँ पर लड़के के पास, लड़की के पास छह नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो एक्सिस है नौ नंबर वाली, जो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जहाँ स्टेबिलिटी को थॉट प्रोसेस को है, तो और ये जो और चीजें डायगोनल में भी चीजें देख सकते हैं जिनको सक्सेस प्लेन के हिसाब से हम कहते हैं, अगर ये यहाँ पर पॉइंट देखा जाए तो मैं 951 एक्सिस को सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि ये चाहे आप हॉरिजॉन्टल में देखें चाहे वर्टिकल में देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वहां पर ये दोनों को बैलेंस करती हुई दिख रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस चार्ट। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ बना के शेयर कर रहा हूँ। जुलाई महीने में ये कोर्स होगा, 10 घंटे का कोर्स होगा। ये मोस्ट प्रोबेबली जो कोर्स होगा मंडे और वेनेसडे को मैं कराऊंगा। मंडे और वेनेसडे को अवेलेबिलिटी जैसे भी रहेगी, जो रजिस्टर करेंगे टाइमिंग बाद में जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके साथ में शेयर करूंगा। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो ये मेरे नंबर यहाँ पर दिए हुए, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और फर्दर डिटेल्स को ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप यूट्यूब चैनल पर आते रहें और यहाँ पर अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहें, और आपको कुछ ना कुछ नए कंटेंट जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ रही है मैं उस फील्ड में आपसे शेयर करता जा रहा हूँ, और मैं कोई चीजें हाइड भी नहीं करता हूँ। लेकिन यही है कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं सारी की सारी नॉलेज यहाँ पर फ्री में नहीं दे सकता। तो दोस्तों जय श्री राम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।